Good morning, class 6th. Students, we are on chapter number 7, Spread of New Ideas. And in the previous class, we have completed Buddhism. In this class, we are now starting Jainism. So let's start with the introductory part of this topic. So Jainism was founded by Rishabhdev. ओके सो जिस तरीके से बुद्धिज्म को खोजने का श्रेय या बुद्धिज्म रिलीजन का श्रेय गौतम बुद्ध को दिया जाता है, उसी तरीके से अगर हम बात करें जैनिज्म रिलीजन की, तो जैनिज्म रिलीजन वॉज फाउंडेड बाय ऋषभ देव. अब इस जैनिज्म रिलीजन में 24 तीर्थंकर्स, टीचर्स या फिर हम प्रीचर्स बोलेंगे, वो हैं जिन्होंने अपनी थॉट प्रोसेस से लोगों को इंस्पायर किया, लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए, उनकी टीचिंग को लोगों ने अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया. तो देर आर 24 टीचर्स, तीर्थंकर और प्रीचर्स इन जैनिज्म. एंड हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर? ऋषभदेव, बिकॉज ही फाउंडेड दिस रिलीजन. फॉर फर्स्ट तीर्थंकर उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है. एंड अगर लास्ट तीर्थंकर या फिर 24th तीर्थंकर की बात करें तो वो है महावीर. ओके सो इन योर बुक ऑन पेज नंबर 32 हेयर इज द पिक्चर ऑफ महावीर. ओके ही वॉज द लास्ट तीर्थंकर. अब अगर हम अर्ली लाइफ्स, अर्ली ईयर्स ऑफ महावीरास की बात करें कि कब उनका जन्म हुआ, इन सभी चीज़ों की अगर डिटेल देखें तो वर्धमान महावीर, महावीर की फुल नेम की बात करें तो उनका फुल नेम है वर्धमान महावीर. एंड ही वॉज बोर्न इन 540 BC इन कुंडग्राम इन वैशाली, बिहार में इनका जन्म हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में 540 BC के अंदर. हिज फादर सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ है. हु वॉज द हेड ऑफ जुनात्रिका क्लैन, हिज मदर त्रिशाला वॉज अ लिच्छवी प्रिंसेस. तो उनके फादर का नाम क्या है, सिद्धार्थ. आपको क्या करना है, आपको महावीर और जो हमारे बुद्धिज्म रिलीजन के गौतम बुद्ध हैं उनके मदर एंड फादर को, उनके रिलेटिव्स को, उनके बर्थ को अच्छे से लर्न करना है कि उनका बर्थ कहाँ हुआ, कौन से BC में हुआ, कहाँ उनकी डेथ हुई, इम्पॉर्टेंट उनके टीचिंग, उन्होंने क्या पढ़ाए हैं, वो सभी चीज़ें आपको लर्न करनी है. उनके फादर का नाम, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महावीर के फादर का नाम है सिद्धार्थ, उनकी मदर का नाम है त्रिशाला एंड उनकी वाइफ का नाम है यशोदा. ओके उनकी वाइफ का नाम है यशोदा. एंड हैड अ डॉटर कॉल प्रियदर्शना. ठीक है, ये सभी उनके रिलेटिव्स के नाम हो चुके हैं. एट द एज ऑफ 30 ही गेव अप हिज प्रिंसली स्टेटस टू टेक अप एन एसेंट लाइफ. जिस तरीके से 29 की एज में गौतम बुद्ध को रियलाइज हो गया ये दीन जो दुनिया है उनके काम की नहीं है, उन्हें अलग राह अपनानी चाहिए, इस सुख में कुछ नहीं रखा है, वही चीज़ें महावीरा के साथ भी हुई. एट द एज ऑफ 30 उन्होंने अपने राज्य को छोड़ दिया और लाइफ के जो एथिक रूल्स हैं उन्होंने अपने प्रिंसली स्टेटस को त्याग दिया और ज़िंदगी के मूल को खोजने के लिए चले गए. After wandering place from place to place for the period of 12 years, he attained supreme knowledge. और जगह जगह घूमने के साथ साथ लगभग 12 सालों की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, असीम ज्ञान की प्राप्ति हुई. He was called महावीरा और जिन द कॉन्करर. पहले नाम अब उन्हें किस नाम से जाना जाने लगा, उन्हें जाने जाना लगा महावीर या फिर जिन के नाम से. हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड जैन्स, और उनकी बातों को, उनकी टीचिंग को फॉलो करने वाले लोगों को जैन्स कहा जाता है, तो इसलिए जैनिज्म रिलीजन. मैनी रूलर्स लाइक खारवेला एंड चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म. महावीर डाइड इन 468 BC एट पावपुरी नियर मॉडर्न राजगिरी बिहार. बिहार में जन्म हुआ, बिहार में उनकी डेथ हो गई. जिस तरीके से हम लोग बुद्धिज्म के अशोका और कनिष्का को फॉलोअर देखते हैं कि वो बुद्ध रिलीजन की तरफ फॉरवर्ड हो चुके थे, उसी तरीके से जैनिज्म रिलीजन की तरफ भी यहाँ पर खारवेला एंड चंद्रगुप्त मौर्य भी एक तरीके से उनकी टीचिंग से इंस्पायर होके उनकी जो
एक थॉट प्रोसेस था उससे इंस्पायर होकर जैनिस रिलीजन को उन्होंने फॉलो किया। अब वो टीचिंग है क्या, दैट वी विल डिस्कस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू टीचिंग ऑफ महावीरा। टीचिंग ऑफ महावीरा, तो ऐसी क्या थॉट प्रोसेस था, ऐसी क्या टीचिंग थी जिससे लोग उनके तरफ इंस्पायर हुए, उनको फॉलो करने लग गए। सो महावीरा बिलीव्ड इन अ सिंपल लाइफ। महावीरा सिंपल लाइफ जीने में विश्वास करते थे। एनिमल्स एंड रिचुअल्स, मतलब जिस रिचुअल में एनिमल्स की बलि दी जाती थी उसके वो बेहद खिलाफ थे। नॉन वायलेंस और अहिंसा की तरफ उनका झुकाव था। एंड वो ऐसा मानते थे कि जिस तरीके से इंसानों में जान होती है उसी तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स में भी जान होती है, तो उन्हें भी चोट ना पहुंचाई जाए, ये सभी उनकी थिंकिंग थी। सो उन्होंने ये भी कहा कि हम पुनर्जन्म, जैसे हम हमारी अगर डेथ होती है तो अगले जन्म में हम क्या बनेंगे, ये जो साइकिल है ना उससे हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। कैसे, मोक्ष की प्राप्ति करके। और मोक्ष की प्राप्ति तब होगी जब हम त्रिरत्नों को फॉलो करेंगे, जैसे दिस कुड बी अचीव थ्रू द त्रिरत्नास, थ्री ज्वेल्स ऑफ लाइफ, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। अपनी आस्था में विश्वास रखें, सही चीज़ें सोचें, जानकारी रखें, सही ज्ञान रखें, सही एक्शन रखें। एक्शन मतलब मार्गधार से नहीं, अच्छे काम करें, ऐसे कोई काम ना करें जिससे लोगों को परेशानी हो। अपने विचारों को शुद्ध रखें। ये कुछ त्रिरत्न थे जिनकी वजह से, जिन्होंने बोला इसको प्राप्त करने के साथ आप एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। दिस कुड बी अचीव्ड थ्रू द त्रिरत्नास, त्रिरत्न यहाँ पर उनके त्रिरत्न को अगर हम इंक्लूड करें तो क्या है, पहला है त्रिरत्न में राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। जो अपने काम हैं वो सही रखें, गलत कामों की तरफ ना बढ़े। नाउ जैनिज्म मेनली एम्स एट द अटेनमेंट ऑफ फ्री फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड। जैनिज्म जो रिलीजन है वो जो मोह माया ना, सांसारिक मोह माया, उससे बिल्कुल परे हटने की तरफ आगे बढ़ता है। जैनिज्म टॉट फाइव डॉक्ट्राइंस। पहला, डू नॉट कमिट वायलेंस, किसी भी तरह का हिंसा नहीं करनी है। हम लोग जैनिज्म को देखते हैं, वो लोग अपने मुंह पे वाइट पट्टी बांधते हैं। अब उनका ये थॉट प्रोसेस है कि उनकी वजह से छोटे इंसेक्ट को भी अपनी जान न गंवानी पड़े, तो मुंह पे कपड़ा बांध लिया। जैसे मुंह पे सांस लेते टाइम या बोलते टाइम कभी कभी हम किसी इंसेक्ट को मार देते हैं, चलते टाइम इतना ध्यान रखना है कोई छोटी चींटी, हम जानबूझ के तो एटलीस्ट ना मारें, छोटी चींटी या फिर कोई भी इंसेक्ट हो गए तो डू नॉट कमिट वायलेंस। वायलेंस हिंसा आपको नहीं करनी है। हिंसा दो तरीके की, एक फिजिकली हिंसा हम करते हैं मार धाड़ करके, और एक है मेंटली, आप कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे अगले को चोट पहुंचे। तो वायलेंस नहीं करनी है। डू नॉट स्पीक अ लाई, आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। डू नॉट स्टील, चुराए नहीं किसी की कोई भी चीज़। डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अगर आपको लालच रहेगा तो आप और के लालच में फिर एक तरीके से ये तो हो गया कि आपने सुख समृद्धि के मोह में फंस गए। तो हमारा मेन मोटो क्या है, मोह को त्याग देना है। तो प्रॉपर्टी यहाँ पर डिनाई की गई है। ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, निग्रह। महावीरा डिड नॉट बिलीव इन द वर्ण सिस्टम। जिस तरीके से बुद्ध थे उन्होंने वर्ण सिस्टम या फिर कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं किया, उसी तरीके से वर्ण सिस्टम को यहाँ पर महावीरा भी फॉलो नहीं करते। उनके बिहाफ में, उनकी नज़रिए में सभी लोग समान हैं, ऑल द पीपल आर इक्वल, ऑल ही ट्रीटेड ऑल मैन एज इक्वल। लेटर जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू टू सेक्स, द दिगंबर और द स्काई क्लैंड एंड श्वेतांबर। तो अगर जैनिज्म को हम लोग डिवाइड करें, जिस तरीके से हमने बुद्धिज्म को भी सेक्स में डिवाइड किया था, उसी तरीके से यहाँ पर हम जैनिज्म को भी डिवाइड करें टू सेक्स में, दिगंबर एंड श्वेतांबर। दिगंबरस एंड श्वेतांबरस, ओके। द दिगंबरास ऑब्जर्व्ड लॉन्ग फास्ट एंड डिड नॉट वियर क्लोथ्स। अब यहाँ पर दिगंबर की अगर हम डिटेल देखें तो दिगंबर लंबे लंबे व्रत रखते थे एंड वो लोग कपड़े वेयर नहीं करते। एंड वहीं श्वेतांबर की बात अगर हम करें तो मोर लिबरल एंड वोर वाइट क्लोथ्स। ये लोग वस्त्र पहनते हैं और अधिकतर सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं।
नाउ बाय दिस टॉपिक वी हैव कम्प्लीटली द टीचिंग ऑफ महावीरा कि सत्य की तरफ बढ़े हैं, झूठ ना बोलें, किसी की चीज़ें ना चुराएं, प्रॉपर्टी का लालच ना रखें, ये सारी चीज़ें हैं टीचिंग की। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोगों ने महावीरा के फाउंडर देख लिए, तीर्थंकर देख लिए, फर्स्ट तीर्थंकर, लास्ट तीर्थंकर, एंड महावीरा की मदर, फादर, उनकी वाइफ एंड उनकी जो डॉटर थी, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस स्प्रेड ऑफ जैनिज्म कि किस तरीके से जैनिज्म था, उनकी विचारधारा थी, उनकी टीचिंग थी, वो अलग अलग एरियाज में फैल गई थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।